दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही कमाल का चीज़ है। हर एक यूट्यूबर का एक सपना होता है। दोस्तों क्या है, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। इस चैनल का भी फर्स्ट पेमेंट मेरे पास आ गया, और कितना आया मैं तो आपको बताऊँगा ही। साथ ही में इसको काउंट करने का जो मज़ा है ना दोस्तों, वो अलग टाइप का फीलिंग दे रहा है। कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपके हाथ में एक तरफ YouTube का पेमेंट रहेगा और एक तरफ आपको कोई 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी दे देना, फिर भी आप इसको ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझोगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। आपके लिए वो 1-2 लाख जो रहेगा ना, वो ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये जो होता है ना, आप खुद के मेहनत से कमाते हो। चाहे वो 5 हज़ार आए, 7 हज़ार आए, 20 हज़ार आए, 1 लाख आए, लेकिन जो आता है ना फर्स्ट पेमेंट, उसका अलग ही मज़ा है दोस्तों। क्या बताऊँ मैं आपको, इतना ज़्यादा खुशी मिल रहा है। और सब करक नोट है मैंने निकाला ATM से कल, आप सभी को दिखाने के लिए ही स्पेशली। तो इसका जो है ना फीलिंग, बहुत मतलब मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। एक यूट्यूबर ही समझ सकता है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसका अभी 1 हज़ार सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 आवर का घंटा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो मोनेटाइज करने के स्टेज पे है, या तो उसका चैनल मोनेटाइज हो गया है, पेमेंट आने वाला है। तो वही लोग इस चीज़ को समझेंगे कि फर्स्ट पेमेंट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक यूट्यूबर के लिए। जब आता है ना, तो लोग खुशी के मारे पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं कि हाँ, मैंने यूट्यूब से पैसा कमा लिया भाई, यूट्यूब पे वीडियो डाल के मैंने पैसा कमा लिया। एक अलग टाइप का मज़ा मिलता है ये। जब आपका चैनल ग्रो करेगा और आप पैसा कमाओगे ना यूट्यूब से, जब आपका आपके हाथ में फर्स्ट पेमेंट आएगा, तो आप बोलना कि हाँ संजय भाई, आपने जो बोला था ना, वो सही बोला था। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हाथ में जो पेमेंट है वो कितना है, मैं सारा निकाल लिया हूँ। कितना आया है मैं आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप YouTube पे आ गए हो, तो YouTube पे लग जाओ। छोटा तो बिल्कुल भी नहीं है आपको, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपका टाइम अगर आप सही से दोगे, उस पर वर्क करोगे, तो टाइम लगता है, लेकिन जब ये फर्स्ट पेमेंट आता है ना, तो उसका पूरा भरपाई कर देता है आपको। मतलब पूरा तसल्ली मिल जाए कि हाँ, मैंने सही काम किया। और ये YouTube से फर्स्ट पेमेंट पूरा करक नोट मेरे हाथ में देख सकते हो, इसका तो मज़ा ही कुछ और है। मैं मन करे कि इसको गिनते जाऊँ, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन ये फर्स्ट पेमेंट जो मिला है ना मुझे, बहुत, मैं क्या ही बताऊँ आपको यार। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि कितना मेरे पेमेंट आया, कितना मेरे हाथ में है। साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि कितने व्यूज पे कितना पैसा मिला, ठीक है? तो चलिए सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि इस चैनल को मोनेटाइज हुए आज से 3 महीना, मतलब 3 साढ़े 3 महीना पहले ये चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो ये फर्स्ट पेमेंट आने में 3 महीना लग गया, और ये कितना पेमेंट है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पे काम करते हो और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा डालना है। अगर आप जल्दी पेमेंट लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जल्दी से पेमेंट आ जाए, तो मोनेटाइज होने के बाद में आप थोड़ा सा वीडियो का जो है ना, और ज़्यादा कर दीजिए। अगर एक दिन में आप एक वीडियो डाल रहे हो, तो एक दिन में 2 वीडियो डालिए। जिससे कि क्या होगा कि अगर आप 1 महीने में 30 ही वीडियो डालते थे, वहाँ पर आपका 60 वीडियो अपलोड होगा चैनल पर, और उस 60 वीडियो से कम 30 से 40 वीडियो आपका वायरल चला जाएगा। क्योंकि जब मोनेटाइज हो जाता है, तो YouTube और वीडियो को प्रमोट करने लगता है, क्योंकि उसको भी बेनिफिट होता है और आपको भी बेनिफिट होता है। तो इसलिए ज़्यादा वीडियोज डालिए, ज़्यादा पैसा, मतलब आपको जल्दी पैसा मिलेगा और ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यूज उतना ज़्यादा पैसा। ये मेरे हाथ में जो पेमेंट है, ये मेरे 3 महीने का जोड़ के पेमेंट आया हुआ है। फर्स्ट पेमेंट ऐसे ही आता है, फर्स्ट पेमेंट किसी किसी का तो 7 हज़ार 8 हज़ार ही आता है, किसी किसी का 1 लाख भी आ जाता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है व्यूज के ऊपर। जितना व्यूज आपका आएगा, उतना ज़्यादा आपका पैसा मिलेगा, उतना जल्दी आपको पैसा मिलेगा। किसी किसी को 1 महीने में ही फर्स्ट पेमेंट आ जाता है। तो दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में पेमेंट है, ये मुझे मिला है $171, ठीक है? $171, वही 13,156 रुपये के आसपास मुझे क्रेडिट हुआ था। अब मेरे मैसेज पे आया था, तो मैं देख के एकदम से शॉर्ट हो गया कि यार, मेरा इस चैनल का भी पेमेंट आ गया, तो बहुत खुशी मिला। वो जो टन से मैसेज जो आता है ना, आपके फ़ोन में मैसेज आएगा कि इतना 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 आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो वो टन से जो मैसेज आता है ना, उसका फीलिंग ही कुछ और है दोस्तों। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुँह पूरा बंद हो गया है, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर हो, तो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो मुझे ये 13,156 रुपये मुझे मिला है, जिसमें मैंने मेरे अकाउंट पे कुछ पैसा पड़ा था, तो टोटल मैंने 15,000 विदड्रॉल कर लिया आप सभी को दिखाने के लिए। 1, 2, 3, 4, इसको काउंट करने में ना मज़ा आ रहा है। तो चलिए व्यूज़ में आपको बता दूँ कि मुझे कितने व्यूज़ पे कितना डॉलर मिला कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं 1 मिनट में आपको सबको दिखा दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए और आप वहाँ पे काम करके व्यूज़ ले पाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिल जाएगा वहाँ पे थोड़ा सा, और समझ पाएंगे कि कितना व्यूज़ पे कितना डॉलर बन जाता है, कितना जल्दी पेमेंट आने वाला है, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हो ये है मेरे चैनल का डैशबोर्ड जिस पे आप वीडियोस देख रहे हो संजय शर्मा लैब। यहाँ पे चलिए एनालिटिक्स पे चलते हैं। एनालिटिक्स पे देख सकते हो यहाँ पे मुझे व्यूज़ मिला है 5,94,000, जिसका मुझे यहाँ पे डॉलर बना है 171.36 डॉलर। तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ कि कितने व्यूज़ पे कितना डॉलर बना। तो चलिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर पे पहले ही डिवाइड कर लिया आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे 5,94,000 डिवाइड कर दिया मैंने 171.36 डॉलर से, तो यहाँ पे 3,466 व्यूज़ पे $1 बन रहा है। मतलब अगर आपको 3,335 के आसपास व्यूज आता है तो $1 आपके नए चैनल पर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा दिया। यहाँ पर मैं आपको एडसेंस पर भी दिखा देता हूँ कि मुझे कितना पेमेंट मिला है। तो यहाँ पर 170.76 जो डॉलर है वो मुझे मिला है, क्योंकि कुछ ना कुछ कट कर लेता है एडसेंस में, वो कट हो जाता है। जो आपको US टैक्स वाला जो ऑप्शन होता है जिसपे आपने फॉर्म फिल किया होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ कट हो जाता है, तो इसलिए कट हो गया है। तो $170 यहाँ पे आसपास मुझे 171 के आसपास मुझे मिला है। अब आपको मैं बता दूं कि दोस्तों अगर आप अपने एडसेंस अकाउंट से बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता है सही तरीका, तो आप इस वीडियो को जा करके देखिए। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वैसे भी मेरे चैनल पर आपको बहुत सारा ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। लाइक टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भरना है, वहाँ पे आपको कैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, कैसे आपको पिन वेरिफिकेशन करना है, सब कुछ आपको वीडियो सब टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना के अपलोड कर दिया। तो जा करके देखिए और चैनल को विजिट करके देखिए। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी का प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।